बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ दी मिडगट। मिडगट कैसे डेवलप होता है, उसकी कौन कौन सी पार्ट्स हैं, हर पार्ट में जो चेंजेस हैं वो सारी, ठीक है। वो रोटेशन कैसे करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये यॉर्कशायर जब हेड एंड टेल फोल्डिंग हुई थी और ट्रैप होके उसने ये यॉर्कशायर जो मेड अप ऑफ एंडोडर्म, ठीक है। तो ये येलो कलर का ये यॉर्कशायर ही सारा ट्रैप हुआ हुआ है, तो इसने यहाँ से ये फोरगट बन रहा है जो हमने पहले डेवलपमेंट पढ़ चुकी थी। ये बाइल डक्ट की ओपनिंग है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। तो इसके अबव जो है वो सारा फोरगट है और इससे बिलो जो है वो मिडगट है, ठीक है। अब मिडगट कहाँ तक होगा, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का सेकेंड पार्ट यानी कि जहाँ से बाइल डक्ट ओपन हो रहा है उससे बिलो, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिर जेजुइनम, एलियम, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलान एंड राइट टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलान तक मिडगट होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मिडगट, यानी कि स्टार्ट कहाँ से है, जहाँ से बाइल डक्ट की ओपनिंग है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, उससे बिलो। तो यहाँ पे आप देखो ये इस मिडगट के दो लूप हैं, ये सेफेलिक लूप है और ये ब्लू वाला जो है ये कार्डल लूप है, ठीक है। लूप कह लो या लिम्स बोल दो, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि ये फिफ्थ वीक का जब एम्ब्रियो होता है तो मिडगट जो है वो सस्पेंडेड होता है फ्रॉम द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल बाय शॉर्ट मेसेंट्री, जो कि यॉर्क सैक को कम्युनिकेट करता है किसके साथ, वाइट। ये हमारे पास नैरो पोर्शन जो यॉर्क सैक का है, ये यॉर्क सैक तो यहाँ से कट किया हुआ है, ये नैरो पोर्शन जो यॉर्क सैक का है इसको हम कहते हैं वाइट लाइन डक्ट और यॉर्क स्टॉक, ठीक है। तो ये इसके सामने ये जो है ये सारा मिडगट का पोर्शन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे आप देखो ये वाइट लाइन डक्ट पड़ी हुई है, ये एलेंटोइस है जो कि यॉर्क सैक के पोस्टीरियर वॉल से डाइवर्टिकुलम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बाइल डक्ट है जहाँ से ये शुरू हो रहा है और ट्रांसवर्स कोलन के टू थर्ड तक, राइट टू थर्ड तक ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें, अब फिर जो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये होता है कि हमने कहा कि भाई ये जो लूप है किसका, मिडगट का, ये सेफेलिक है और ये कार्डल लूप है। इनिशियली बच्चे में जो है वो अभी ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होते, और अगर जैसे लिवर का साइज़ भी बड़ा होता है तो क्या होता है कि एब्डामिन से कुछ इंटेस्टिनल लूप निकल के एम्ब्लाइकल कार्ड में आते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एम्ब्लाइकल हर्निया। 6 वीक में ये आते हैं और 12 वीक तक ये रिटर्न हो जाते हैं। अगर 12 वीक तक रिटर्न ना हो तो फिर एबनॉर्मलिटी होगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल होता है वो ये होता है कि जो सिफेलिक लिम्ब है इसका, मिडगट का, ये क्या क्या बनाता है। मिडगट शुरू है कहाँ से, जहाँ से ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट से, जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन थी उसके बिलो से। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड फिर जेजुइनम एंड पार्ट ऑफ ये जो है ना, ये वाला ये लूप, इसको हम कहते हैं इलियम। इसका देखो ऊपर वाला पोर्शन ग्रीन है और नीचे वाला ब्लू है, यानी कि इलियम जो है वो इससे सेफेलिक लूप से भी बन रहा है और इस कार्डल लिम से भी बन रहा है, ठीक है। फिर जो कार्डल लिम है वो क्या क्या बनाएगा, वो डिस्टल पोर्शन या लोअर पोर्शन ऑफ इलियम बना रहा है, क्योंकि इलियम का अपर पोर्शन उसने बनाया था सेफेलिक लिम ने, ठीक है। फिर यहाँ से ये शुरू हुआ, फिर अपेंडिक्स है, सीकम है, असेंडिंग कोलान है एंड राइट टू थर्ड ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलान तक ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे ये बनाएगा कौन, कार्डल लिम। तो आपको पहले तो पूरा आना चाहिए कि मिडगट के टोटल पार्ट्स कौन से हैं, वो मैंने बताया पिछली स्लाइड में। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि सेफेलिक लिम में कौन से पार्ट आते हैं और कार्डल लिम में कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। कार्डल कहाँ से शुरू हो रहा है, इलियम के डिस्टल पोर्शन से, फिर सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलान पूरा एंड राइट टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलान तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कार्डल लिम से बनेंगे, ठीक है। इकट्ठा भी पूछ सकता है, इस तरीके से अलग अलग भी पूछा जा सकता है। फिर जो मैंने कहा कि 6 वीक तक जो है वो मैं इंटेस्टिन जो है वो लूप टेम्परेली हर्निएट करके एम्ब्लाइकल कार्ड में आती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पे देखें 12 वीक लिखा हुआ है और ये सारी इंटेस्टिन वापस जा चुकी हैं एब्डोमेन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एम्ब्लाइकल हर्निया,
तो रैपिड इलोंगेशन क्योंकि जब होती है सेफेलिक एंड कार्डल लिम्ब की, तो उसकी वजह से लिवर भी एक्सपेंड कर रहा होता है, एब्डामिनल कैविटी तो टेम्परेरी सिमार्ल होती है, तो वो इंटेस्टिन को टेम्परेरली जो है वो भेज देती है कहाँ पे, इस अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ, ठीक है, ड्यूरिंग 6 वीक में, और फिर वो रिटर्न होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी रिटर्निंग कंप्लीट हो चुकी होती है कहाँ कहाँ तक, 12th वीक तक। 12th वीक के बाद अगर रहती है तो इसका मतलब है फिर वो फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया नॉर्मल नहीं रहा, अब वो फिर उसको हम कहेंगे ओम्फेलोसील, फिर वो फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, ठीक है। ये तो फिजियोलॉजिकल था जो 12 वीक से पहले पहले चला गया। अब मिडगट की रोटेशन जो हम देखें, अब यहाँ पे आप देखो कि ये लूप जो है मिडगट का जो इधर आया हुआ है एम्ब्लाइकस में, ये इस वक्त टर्न कर चुका है, और हमने जब पढ़ा था फोरगट तो मैंने आपको उसकी आर्टरी का नाम बताया था सिलेक्ट्रम, ठीक। अब यहाँ पे ये मिडगट की आर्टरी है जिसको हम कह रहे हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, हाइंडगट की फिर होती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो ये रही। तो मिडगट का जो लूप है वो इस सुपीरियर, उसने जो एक्सिस उसका बनाया, किसने बनाया हुआ है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ने, और टोटल जो मिडगट की रोटेशन होती है वो एंटी क्लाकवाइज, क्लाकवाइज नहीं, ठीक है, काउंटर क्लाकवाइज या एंटी क्लाकवाइज हम कहते हैं, 270 डिग्री, ठीक है, जिसमें से देखो 90 डिग्री पहले तो ये लूप ऐसे सीधा होगा जैसे यहाँ पे दिखाया ना, ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, फिर देखो सेकंड डायग्राम में ये अब टर्न करता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर टर्न कर चुका है, तो पहले सीकम ये नीचे है, ये हमारे पास इनिशियली ये क्रेनियल या सेफेलिक लिम है और ये कार्डल लिम है, जब ये और ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है जिसने इसको एक्सिस बनाया हुआ है, जब इस सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के गिर ये मिडगट टोटल कितनी लेना है, 270, और इस टाइम पे अभी जो पहला टर्न लेगा वो एंटी क्लॉकवाइज कितना लेगा, 90 डिग्री, तो जिसकी वजह से ये जो सीकल वाला लिम है, जो कार्डल लिम है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो वो सेफेलिक था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, ठीक है। ये टोटल कितनी हो रही है मिडगट की उसमें रोटेशन, 270 क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस दौरान जो है जो स्मॉल इंटेस्टिन की काफ़ी लूप्स बनते हैं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टिन है उसकी वो लेंथिन हो रही होती है, लेकिन वो लूप नहीं बना रही होती, कॉइलिंग नहीं बना रही होती, ठीक है। तो रोटेशन अकर्स ड्यूरिंग द हर्निएशन अबाउट कितनी है, 90 डिग्री, एज वेल एज ड्यूरिंग द रिटर्न ऑफ द इंटेस्टिनल लूप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जब अभी इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ही मौजूद है, तो पहली रोटेशन जो हुई है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुई है, और फिर जब रिटर्न करता जाएगा जो बाकी 180 रह जाएगी वो रिटर्न के दौरान होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी कहा कि रिट्रैक्शन ऑफ हर्निएटेड लूप वापस क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि एक तो एब्डोमेन में इतनी जगह नहीं है, दूसरा फिर लिवर की साइज़ की वजह से, और 10th वीक में जो है हर्निएटेड लूप जो है वो वापस जाना शुरू हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो जो मेन फैक्टर कुछ होता है, जैसे ये किडनी डेवलप हो रही है, इसमें से मैंने आपको पढ़ा था ये प्रो नेफ्रोस जो है ये डिजनरेट हो जाते हैं, तो फिर ये भी जगह बनेगी, ठीक। तो ये जब किडनी डेवलप हो रही थी, जो चीज़ें रिग्रेशन में आती हैं वो भी स्पेस दे देती हैं, और लेवर भी रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द लिवर, ये भी है, और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी खुद भी एक्सपेंड हो रही होती है तो वो जगह देती है, फिर ये रिटर्न हो जाते हैं लूप इस अम्बिलिकल कॉर्ड से, उस तरीके से फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया जो है वो टेम्परेरी होता है, वो वापस 12 वीक तक वापस चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारा वही चीज़ दिखाई दी, ये जो सीकल का बड है, जो कार्डल है, ये 6 वीक में जो है ये देखो, इसमें यहाँ से कॉनिकल प्रोजेक्शन निकल रही है अपेंडिक्स, ठीक है। अच्छा, जब ये रिटर्न होता है, अब यहाँ 90 डिग्री तो इसने अम्बिलिकल कॉर्ड में ही रोटेशन कर ली थी, एक्सिस किसको बनाया था, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी को, और ये BCQ में आता है, ठीक है। अब जब ये रिटर्न होगा तो अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले जो इसका पोर्शन रिटर्न हो रहा है वो हमारे पास ये तो ड्यूडिनम है, क्या है ड्यूडिनम, जेजुनम जो है वो पहले जा रहा है, वो राइट साइड पे हो गया, फिर इस तरीके से बकिया पोर्शन आस्ते आस्ते वापस जाएंगे, लेकिन वो फिर अकुपाए होंगे ज़्यादातर कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। अब इनिशियली आप इस डायग्राम में देखें, ये जो सीकम है अपेंडिक्स के साथ, ये इस वक्त राइट क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है, अपर राइट क्वाड्रेंट में मौजूद है,
जबकि सीकम की जगह ये नहीं होती, सीकम की जगह यहाँ नीचे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होती है, और सॉरी राइट इलेक फोसा में, ठीक है। तो कार्डल लिम जो है इंटेस्टाइनल लूप का जो लास्ट पार्ट है वो जो इंटर होता है किसमें, कार्डल लूप ये वाला है, ठीक है। ये टर्निंग तो यहाँ हो जाएगी, लेकिन जब वापस एब्डामिन में जाएंगे तो ये सबसे आखिर में जाता है, ठीक है। लास्ट पार्ट टू इंटर इनटू द एब्डामिनल कैविटी। फिर क्या होगा कि टेम्परली जो है ये सीकम राइट हाइपोकॉन्ड अपर क्वाड्रेंट में ही हो जाता है, लेकिन फिर वापस इधर जब लिवर अपनी स्पेस लेगा तो ये वापस कहाँ आ जाएगा, इधर राइट लोब। टेम्परेरी तो राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे ही मौजूद है, ठीक है। फिर इस डायग्राम में भी यही है कि ये राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे मौजूद है, फिर वहाँ से ये राइट इलेक फोसा में डिसेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लेसिंग दी असेंडिंग, ये असेंडिंग कोलॉन को राइट साइड पे मौजूद है, ये राइट हेपेटिक फ्लेक्चर भी राइट साइड पे मौजूद है, और मिड गट हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन के राइट टू थर्ड तक मिड गट है। फिर उसके बाद बकिया चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, ठीक। तो ये है इसका, इस दौरान जब ये वापस आता है तो अपनी 180 डिग्री जो बाकी क्लाक एंटी क्लाक वाइज थी वो ये यहाँ कंप्लीट करता है, ठीक। अब ये वही चीज़ दिखाई गई है, ये एक सिफेलिक लिम है, ये कार्डल लिम है। कार्डल लिम की सबसे बड़ी निशानी हमारे पास है यही सिकल बड है। फिर 90 डिग्री एंटी क्लाक वाइज जब अम्ब्लाइकल कार्ड में ही ये रोटेट करता है और एक्सिस किसको बनाता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को, तो कार्डल लिम ऊपर चला जाता है जिसमें ये सिकल बड आपको ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे हो गई, फिर 180 डिग्री जो एंटी क्लाक वाइज है वो जब ये पूरा निकलता जाएगा आस्ता आस्ता एब्डामिन में जाता जाएगा, वो अपनी 180 डिग्री जो है काउंटर क्लाक वाइज जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन जो है ये, अब जब ये रोटेट करता है तो अपेंडिक्स जो है जो यहाँ पे आया है, अपेंडिक्स जो है डिसेंड ऑन दी कोलान के इस तरफ, ये कौन सा कोलान है, असेंडिंग कोलान, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब ये डिसेंड होता है तो ये फिर इसकी जो कॉमन पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर होता है, इसके रेट्रो सीकम, सीकम के पीछे हो जाता है, ठीक है। ये इसकी रेट्रोसिकल इसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन है, किसकी, रेट्रोसिकल मोस्ट होती है, फिर किसी किसी बुक में रेट्रोकॉलिक भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है असेंडिंग अपेंडिक्स की साइड कौन सी होती है, रेट्रोसिकल, इस पर भी पीसी क्यों आता है, ठीक है। ये दिखाई गई ये डायग्राम के भाई, अब ये वही कार्डल लिम जो ऊपर आ गया था, क्यों, मैंने कैसे पहचाना, ये अपेंडिक्स है और ये सीकम है। देखो स्मॉल इंटेस्टीन का लूप ज़्यादा क्वाइल्ड बना रहा है, जबकि लार्ज इंटेस्टीन के जो लूप्स हैं वो क्वाइलिंग इतनी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये वापस रिटर्न होती है तो इसके साथ इसकी मेजेंट्री का क्या फैट होता है कि देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कोलॉन है और यहाँ पे ये ग्रेटर ओमेंटम है, ग्रेटर ओमेंटम की देखो इस वक्त अभी हमें ट्रांसवर्स कोलॉन नज़र नहीं आ रहा, तो जब हम ग्रेटर ओमेंटम की इस लेयर को हटाएंगे तो हमें पीछे ट्रांसवर्स कोलॉन नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से अब यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स कोलॉन को इन्होंने मेजेंट्री दी है, जिसलिए इसको नाम दिया है ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, ठीक है। क्योंकि ये बकिया आप देखो कि ये असेंडिंग कोलान है, ये डिसेंडिंग कोलान है, इनकी मेजेंट्री जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती है जब ये रिटर्न होते हैं, तो इनके पास हमारे पास मेजेंट्री नहीं होती, ठीक है। तो द मेजेंट्री ऑफ द जेजुनो इलियल लूप, जेजुनम ये ड्यूडिनम है, यहाँ पे पीछे ये जेजुनम होगा यहाँ पे, ठीक है, जेजुनम और ये इलियम का लूप, इसको हम कहते हैं मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी अटैचमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्यूज पूछते हैं कि अटैचमेंट कहाँ से है, ये जेजुनो ये ड्यूडिनम है, ये जेजुनम है, ड्यूडिनो जेजुनल जंक्शन से लेके ये इलियोसिकल जंक्शन, ये सीकम है और ये जो है इलियम यहाँ ओपन हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री यहाँ अटैच होती है। इस पर बहुत एम बी सी क्यू आते हैं और ग्रास में इससे पूछते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर को इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बी सी क्यू है। तो हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन की मेजेंट्री जो थी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फ्यूज़ होगी, अब उनके पास मेजेंट्री नहीं है, ठीक, और अपेंडिक्स के पास होती है। और ये देखें ये सीकम, ओ सॉरी माफ़ करना, सिग्माइड कोलॉन के पास भी मेजेंट्री है, ठीक। ड्यूडिनम का सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है वो ड्यूडिनल कैप जो कहलाता है वो स्टमक के साथ जो कंटिन्यूटी में होता है उसमें पेरिटोनियम वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है, बकिया जो है ड्यूडिनम रिट्रो पेरिटोनियल होती है, ठीक है। ये थोड़ी मेजेंट्री के बारे में हो गया।
तो मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपर अंडरगो हो जाती है रोटेशन के दौरान और कॉइलिंग फॉर्मेशन के दौरान जो है वो जब मूव करके एब्डोमिनल कैविटी में वापस जाएगा तो किसी के पास मेजेंट्री अपनी रह जाएगी, किसी के पास जो है वो उसकी पोस्टी एब्डोमिनल वॉल के साथ फ्यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके पास मेजेंट्री नहीं रहेगी। ठीक है, तो और किस किस के पास रहेगी? ट्रांसवर्स कोलन के पास है, अपेंडिक्स के पास है और सिग्मॉइड कोलन के पास है और मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी है, जिसकी एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूडेनल जेजुनल जंक्शन से लेके और इलियोसिकल जंक्शन तक इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, अब अगर ये लूप इंटेस्टाइन के 12 वीक के बाद भी रिटर्न ना हो, तो जैसे यहाँ पे आपने दिखाया है, यहाँ पे देखें ये वही इंटेस्टिनल लूप है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में आए हुए थे, एमनियन से कवर्ड है, और यहाँ पे ये देखो बेबी की बर्थ के बाद भी ये वापस नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि ये इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, रिटर्न नहीं हुआ, अब ये कंडीशन कहलाती है ओम्फैलोसील। तो ये डिफेक्ट किस चीज़ का है कि फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया रिटर्न नहीं हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, तो मोर्टिलिटी रेट इसमें 25% होता है सीवियर मेलफॉर्मेशन की वजह से, अगर कार्डियक एनोमलीज वगैरह आ जाए तो 50% इसका मोर्टिलिटी रेट हो जाता है, अगर साथ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो तो 40% है। अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ लाइव बर्थ जो है ओम्फैलोसील के साथ वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसमें एक और बीसीक्यू भी आता है कि ये जो फेलोसील है इसमें देखो दी विसराज विच में इंक्लूड लिवर स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन स्टमक स्प्लीन गाल ब्लेडर आर कवर्ड बाय ओमनियान, हमें ऐसे लग रहा है इसमें सिर्फ इंटेस्टीन है लेकिन इसके अलावा भी ये चीज़ें जो है आ सकती, इनका पोर्शन भी आ सकता है, तो ये भी बहुत अहम बीसीक्यू होता है कि ये कंटेंट आपको याद होने चाहिए, सिवाय सिर्फ इंटेस्टिन ही नहीं होती ये भी होता है जिसको बीसीक्यू में वो बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ओम्फैलोसील, अब ये भी देखें ये भी एक डिफेक्ट है, इसमें भी इंटेस्टिन बाहर निकला हुआ है लेकिन इसमें इंटेस्टिन अम्ब्लाइकस के थ्रू नहीं निकले हुए, ये अम्ब्लाइकल कार्ड है जो इसने क्लैम्प किया हुआ है, ये अम्ब्लाइकल कार्ड के इधर साइड पे एक ओपनिंग रह गई है जहाँ स्किन फ्यूज नहीं हुई थी राइट और लेफ्ट साइड की, तो ये होता है, ये डिफेक्ट होता है लेटर बॉडी वाल की फोल्डिंग, जब लेटर बॉडी वाल फोल्ड होती है आपस में इधर मिड लाइन में आके बिल्कुल फ्यूज हो जाएगी तो कोई इंटेस्टिन बाहर नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ ओपनिंग रह जाती है तो उसमें से इंटेस्टिन निकली हुई है, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है, एक तो ये जो ओम्फैलोसील की इंटेस्टिन निकली है ये एमनियन में कवर्ड है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू निकली है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू नहीं निकली, ये स्किन में ओपनिंग थी और ये इंटेस्टिन जो है ये एमनियन से कवर्ड नहीं है, और ये डिफेक्ट था फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया रिटर्न नहीं हुआ ओम्फैलोसील, और ये डिफेक्ट है लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग का, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोशियोसिस। ठीक है, ये चीज़ें आपको आने चाहिए, ये है गैस्ट्रोशियोसिस। ठीक है, बहुत अहम बीसीक्यूज़ हैं और ऑस्पी में भी पूछते हैं। फिर आता है मैकल्स डेविटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास अम्बिलाइकस है और हमने यहाँ पे ये जो है हमारे पास यहाँ एक डायग्राम आप देखें जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाइट लाइन डक्ट है, क्या है वाइट लाइन डक्ट, तो अब वाइट लाइन डक्ट की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में ये एक है कि भाई इसको हम कहते हैं मैकल्स डेवर्टिकुलम, इट इज़ एन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज मिड गट कम्युनिकेट जो वाइट लाइन है यही जो जॉक्सेक को कम्युनिकेट करवाता है किसके साथ, मिड गट के साथ, जिसको हम कहते हैं वाइट लाइन डक्ट। ठीक है, तो वाइट लाइन डक्ट अगर वैसे तो इसको लिगामेंट बन जाना चाहिए एडल्ट में, लेकिन अगर ये इसका रेमिनेंट रह जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस देखें कि ये मैकल्स डायवर्टिकुलम का ये मैकल्स ये आधा तो लिगामेंट बन गया है जिसको बनना था वाइट लाइन लिगामेंट, लेकिन ये पोर्शन जो है ये इसका परसिस्ट रह गया है किस नाम से, वाइट लाइन डक्ट का, तो इसको हम कहते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम। और ये देखो इलियम है, इलियम का अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो ये इलियम है, ये इसका वो बॉर्डर है जिसमें मेजेंट्री अटैच है, ये एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर, ये बीसीक्यू आता है कि वाइट लाइन डक्ट का जो रेमिनेंट रह गया है उसका नाम क्या है, मैकल्स डायवर्टिकुलम, और वो इलियम से ही निकलता है और इलियम के एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर से, इसमें एक रूल ऑफ टू होता है, ये 2% प्यूपिल में होता है, 2 इंचज़ लॉन्ग होता है इसका साइज़ एंड फाउंड 2 फीट अवे फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन से ये
दूर होता है, इस वजह से इसको कहते हैं रूल ऑफ टू। ठीक है, ये जहन में रखना। और कॉमन इसका कंजनाइटल एब्नॉर्मली है ये। अच्छा, जिसमें अब इसमें ये इस तरफ से भी लिगामेंट बन गया वाइट लाइन, इस तरफ भी बन गया, बीच में ये वाइट लाइन सिस्ट रह गई। और अगर ये लिगामेंट बनता ही नहीं है, कम्युनिकेशन रहती है, तो उसको हम कहते हैं वाइट लाइन फिस्चूला। और ये है इलियम। अब अगर इसमें कंप्लेन अक्सर यही आती है कि अम्बिलिकस से जो है वो फीकल मटेरियल पास होता है। ठीक है, ये जहन में रखना। तो क्योंकि अगर यूरिन का होगा तो वो एलन ट्वाइस का डिफेक्ट होगा, ये जहन में रखना, क्योंकि उसमें लिगामेंट जो है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट वो भी अम्बिलिकस में ही खुलता है, लेकिन उसमें कंप्लेन होती है कि यूरिन पास हो रहा है। और अगर स्टूल का कंप्लेन आ रही है तो इसका मतलब है वो इलियम इंटेस्टिन से आ रही है, तो हम उसको कहते हैं वाइट लाइन फिस्टूला। ये ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है, ये भी आसपी में डायग्राम और ऐसी चीज़ें ये पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब इसमें एबनॉर्मलिटीज़ है। मिडगट की रोटेशन मैंने आपको बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर एबनॉर्मल रोटेशन हो जाए तो देखिए, अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम बी को देखें, पहले इसमें रोटेशन हुई है लेकिन क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो हुई वो क्लॉकवाइज हुई, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि ट्रांसवर्स, ये यहाँ पे आप देखो ट्रांसवर्स ड्यूडिनम जो है वो ट्रांसवर्स कोलन के आगे पास हो रहा है। पीछे आप डायग्राम में देखो तो ड्यूडिनम जो है ट्रांसवर्स कोलन के नॉर्मली जो है वो आगे पास नहीं हो रहा है, ये पीछे पास हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन नॉर्मल है। ठीक है, ये अब नॉर्मल है, ये 90 डिग्री जो क्लॉकवाइज हुई उसकी वजह से जो है ड्यूडिनम जो है वो ट्रांसवर्स कोलन के आगे से गुजर रहा है। ठीक है, फिर ये ए जो है द कोलन इज़ ऑन दी लेफ्ट साइड। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टिन जो है ऑन दी राइट साइड। ये भी एबनॉर्मल रोटेशन की ही एक टाइप है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं आगे। ये देखें, इसमें जो एबनॉर्मलिटी है वो वेसल्स से कनेक्टेड है, यानी कि अगर वेसल्स में इस्कीमिया वगैरह है या कोई वेसल्स इसकी वजह से सप्लाई नहीं कर पा रही कि इंटेस्टिन के किसी पार्ट को, तो उसमें हम इंटेस्टिन का पार्ट जो है वो बाउल एट्रेजिया या स्टिनोज्ड हो जाता है। ठीक है, जो ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है। इसमें देखें, इसमें एक बारीक सी एक झिल्ली रह गई है, लेकिन इसमें आपस में फिर भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन ना, और यहाँ पे तो बाकायदा पूरा ही वो फाइब्रोज्ड हो चुका है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कि ये अक्सर आर्टीरियल सप्लाई की वजह से होता है, जिसको हम एट्रेजिया जो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एट्रेजिया या स्टिनोसिस। ये आना चाहिए आपको मिडगट के बारे में, हाइंडगट हम बाद में डिस्कस करेंगे।